कारक है धर्म। जो ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय सत्ता है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भगवान के ये गुण अलौकिक हैं, ईश्वरीय हैं। यश, श्री, ऐश्वर्य, ये भगवद गुण लौकिक है। जिससे धर्म की सिद्धि होती है वो पहला साधन देह है, मानवीय देह। इसलिए सकल कार्यों की सिद्धि के लिए अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताओं के संचय के लिए स्वास्थ्य, सौंदर्य, सिद्धि, ऐश्वर्य, विभूति, विद्या, प्रकृति पर विजय, लौकिक अलौकिक जितनी विभूति और विचित्रताएं हैं, कुछ वैसा जो विस्मयकारी है, कुछ वैसा जो कभी नहीं मिटता, ऐसा आनंद जिससे बोध हो स्वयं का और नश्वर पदार्थों का, वो बल धर्म बल है। इसलिए उसे पहला पुरुषार्थ भी कहा गया। अर्थ आदि की भी उपेक्षा नहीं है भारतीय संस्कृति में। अर्थ भी एक बड़ा साधन है। अंतःकरण की सकल ऐषणाएं, कामनाएं, पदार्थों की प्रियता, विजय की भावना, संग्रह और संचय की कामना, उच्चस्थ, शिखरस्थ, शीर्षस्थ होने की एक उद्दाम भावना, ये भी एक पुरुषार्थ है जिसे काम कहा गया। जो कुछ भी लोक में है और परलोक, उसे छूने, चखने, सूंघने, भोगने की जो भावना है, इसकी निंदा नहीं है, इसे काम कहा गया, ये पुरुषार्थ है। इसे विषयों की निंदा नहीं है, भोग की निंदा नहीं है, उसमें उपयोग हो। जो काम की निंदा नहीं करते संस्कृति, वो नियंत्रित हो, सीमित हो, संयत हो, मर्यादित हो, मूल्य आधारित हो, उसकी मात्रा का बोध रहे, इसलिए काम की भी निंदा नहीं है। हमारी संस्कृति में बहुत की उत्कर्ष की, बहुत की ये और जागतिक अथवा आर्थिक उन्नयन की कहीं निंदा नहीं है। वो काम है, उसकी सिद्धि कैसे की जाए? तो काम की अगर सिद्धि नहीं आती है, अर्थ पर नियंत्रण नहीं है, तो भटक सकते हैं। इसे जीवन में भटकाव तब है जब आदर्श नहीं।